हमारे साथ धर्मवीर गांधी साहब हैं। गांधी साहब, आज आप लोगों को नेशनल काउंसिल की मीटिंग को बाइकाट करना पड़ा, क्या रीजन था और कितने लोग बाइकाट करके बाहर निकले थे? तो एग्जैक्ट नंबर कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ जितने लोग इकट्ठे थे, कौन बाहर निकला अंदर जा रहा बड़ा मुश्किल है। कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि ज्यों ही मेरे को लगा कि ये मीटिंग पूरे लोकतांत्रिक ढंग से नहीं चल रही, इस मीटिंग में जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, जो डिसेंट है उसको दबाया गया जा रहा है और उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग योगेंद्र यादव एंड प्रशांत जी और लोग भी जो इस मुद्दे पे बात करना चाहते थे, जो बहस होनी चाहिए थी। एक आप बड़ा फैसला ले रहे हैं, दो वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से निकाल रहे हैं, उस पर बहुत लोग बोलना चाहते थे, तो अचानक प्रस्ताव आ गया कि इस पर बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि 187 लोगों ने ये साइन कर दिए हैं कि ये प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। तो जी तो वो रास्ता नहीं, जी तो कोई डेमोक्रेटिक वे ना हुआ, ना कोई सीक्रेट वोटिंग हुई, ना कोई ओपन वोटिंग हुई, सिग्नेचर करवा के बता दिया कि वो सिग्नेचर करने कौन है, क्या वो मेंबर है भी या नहीं है, वो लिस्ट आउट करनी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी, वो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए थी। तो दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। गांधी साहब, जिस जमहूरियत और डेमोक्रेसी को लेकर के पार्टी का वजूद हुआ था, पार्टी बनी थी, क्या आज पार्टी उस जगह से बिल्कुल हट चुकी है दूसरी पार्टियों की तरह ही? नहीं, उससे ये धीरे धीरे इसमें ये काम खराब हो रहा है, उसको ठीक करना होगा। कैसे होगा ये पूरा काम? जो कार्यकर्ता है, जो वॉलंटियर है, उनके दिल टूट चुके हैं। नहीं, वो निराश है, हताश है, परंतु एट द एंड ऑफ द डे द ट्रूथ प्रिवेल्स एंड दे विल कम टू नो द रियलिटी वेरी सून। लेकिन अरविंद ने साफ कह दिया है कि या तो ये लोग पार्टी चला ले या वो अपनी पार्टी चलाने दे। लेट अस सी व्हाट इज इन स्टोर इन फ्यूचर फॉर एवरीबॉडी। अब जनता कैसे भरोसा करेगी आम आदमी पार्टी पर? देखो, जनता का भरोसा टूटा है और बड़ी दुख, यही सबसे बड़ा दुख है हमारे को कि जनता ने जितना विश्वास व्यक्त किया था एक समानांतर राजनीति के लिए, एक बढ़िया राजनीति के लिए, वो लोगों का दिल टूटा है, भरोसा टूटा है। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे का भी तो मैं अपना पार्लियामेंट में ईमानदारी से काम करूंगा अपने लोगों के लिए और पार्टी की जो नीतियां उनको पार्लियामेंट में लागू करूंगा और उनको अपने विचार रखूंगा, लगातार सक्रिय रहूंगा। और दूसरे देखते हैं अभी लोगों का क्या प्रतिक्रिया आती है, लोग कैसे इस बारे में सोचते हैं। तो पर एक बात साफ है कि मैं पार्टी के अंदर लगातार डेमोक्रेसी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और जो भी मेरे को लगा है गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँ। लेकिन अब अंदर आवाज़ कैसे उठेगी? जो आवाज़ उठाता है उसे तो बाहर कर दिया जाता है पार्टी से। देखिए, ये दुखद हुआ है, पर दिस शुड नॉट बी द ट्रेंड नाउ एंड इवन दे आर टू डिसाइड कि वो आम वर्कर रहकर भी काम कर सकते हैं। इफ दे हैव द कन्विक्शन दे विल बी वर्किंग एज ऑर्डिनरी वर्कर्स आल्सो। इस तरह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तो नहीं निकाला गया है योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को, तो ऐसे में वो वहाँ पे काम कर सकते हैं, ऐसा करना कहना गांधी साहब का। लेकिन जिस तरीके से पार्टी के अंदर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पार्टी के कामकाज पर सवाल या निशान खड़ा करता है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ हमजा उल्ला, मुंसिफ, दिल्ली।